आज की इस वीडियो में हम गोरखपुर शहर में अपकमिंग कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह नगर भी है। यह शहर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी के बाद दूसरा सबसे प्रमुख शहर है, जिसकी आबादी साल 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 7 लाख के करीब थी। हाल के कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से गोरखपुर शहर को कुछ ऐसी बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी जाने की योजना बनाई गई है, जिन के बूते पूर्वांचल क्षेत्र का यह प्रमुख शहर और भी बेहतर बन सकता है। तो फिर आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं गोरखपुर शहर में आने वाले कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार गोरखपुर शहर में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक नए एयरपोर्ट को बनाने जा रही है, जो वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे पर लगभग 300 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। यह एयरपोर्ट एक घंटे में लगभग 200 लोगों को सर्व करेगा। गोरखपुर शहर में इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए देश के अन्य बड़े शहरों में एयर ट्रेवल करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, गोरखपुर शहर में इस एयरपोर्ट के अलावा एक लाइट मेट्रो परियोजना भी प्रस्तावित है। इस मेट्रो परियोजना में 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई लगभग 27 किलोमीटर होगी। गोरखपुर मेट्रो का पहला कॉरिडोर 16 किलोमीटर जबकि इसका दूसरा कॉरिडोर लगभग 11 किलोमीटर लंबा होगा। अगर इस परियोजना के अपडेट की बात करें तो गोरखपुर मेट्रो का DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी अंडर डिस्कशन है। दोस्तों, गोरखपुर शहर में इन दो बड़े प्रोजेक्ट के अलावा इस शहर की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गोरखपुर शहर की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 494 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, यहां की सड़कों को चौड़ा करने के अलावा गोरखपुर शहर में एक इंटरनेशनल बस स्टेशन बनाने की भी योजना है, जिसे लगभग 50 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर शहर में लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए गोरखपुर शहर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगभग 1200 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक IT पार्क भी बनाया जाएगा, जिसका निर्माण लगभग 100 एकड़ एरिया में होगा।